हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप सबके साथ मुलाकात हुई है। तकरीबन मुझे लगता है 10 या 12 दिन के बाद मेरी आप सबसे मुलाकात हो रही है। और जितना आप सबने मुझे मिस किया, उतना ही मुझे भी आप सबकी बहुत बहुत याद आई है। सुपर से भी ऊपर वाले फेस पैक को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट तो आपको लगेंगे बस इतना ही, इससे क्या होगा छवि। लेकिन जब आप इस फेस पैक को बनाओगे और जब आप इस फेस पैक को लगाओगे, यकीन करें आपको आपकी स्किन कमाल की लगने वाली है। आपको आपकी स्किन गजब लगने वाली है। आपको आपकी स्किन गजब की फ्लॉलेस लगने वाली है। और एक बार के इस्तेमाल से आप इस पैक के इतने बड़े फैन हो जाने वाले हो ना कि आप बार बार कहोगे यार ये छवि ये वाला फेस पैक है ना आपके कौन से वीडियो में था, मैं ढूंढ रही हूँ नहीं मिल रहा है। टेंशन की बात नहीं है, हर मंथ का अलग अलग रहता है। इस मंथ में आप जाओगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इस सुपर से भी ऊपर वाले फेस पैक को बनाने के पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। अब मैं पहले जैसा जब स्टार्टिंग में वीडियो यूट्यूब पे आई थी ना, तो मैं तकरीबन 5 बार 6 बार बोलती थी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे, अरे यार इस बात को कितना आप रिपीट करते हो। बट इस बात को मैं रिपीट करना भूल गई तो मतलब हमारी फैमिली ने चैनल को सब्सक्राइब करना मिस कर दिया। भाई वीडियो के बीच बीच में मैं आप लोगों को याद कराते रहूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए, सुपर से भी ऊपर वाले पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है जौ का आटा। भैया वही जौ जो हमारे स्किन के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ ही साथ हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आटा क्या करता है दोस्तों, आपकी स्किन को व्हाइटन करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, आपकी स्किन को लाइटन करता है। तो जो लोग लेजी है, जिनको स्किन का ख्याल ही नहीं करना, साल में महीने में एक बार उनको अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आता है, हाय मैं आज अपनी स्किन को देखी हूँ मिरर में, मेरी स्किन तो गजब लग रही है, इतनी बेकार कट, मेरी स्किन तो एकदम बेकार लग रही है, मेरी स्किन तो एकदम इतनी बेकार लग रही है, मैं कुछ भी पहनूं तो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, फेशियल करा के आती हूँ, बट फेशियल कराने जाने में भी उन्हें कंटाल आता है। तो कुछ ना कुछ किचन में सोचना शुरू करती है कि आखिर मैं अपने चेहरे के ऊपर क्या लगाऊं जिससे मेरी स्किन बहुत ज्यादा तुरंत जो है ये जो बेकार वाली कंडीशन है वो थोड़ी सी तो अच्छी हो जाए। तो उस टाइम भी आपको ये पैक बहुत साथ देने वाला है। तो ये जो जौ का आटा है इंस्टेंट आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाने वाला है, फ्लॉलेस बनाने वाला है और आपको आपकी स्किन को देने वाला है हद से ज्यादा खूबसूरत स्किन। साथ ही साथ ये जो है ना आपके चेहरे के ऊपर हल्के फुलके फेशियल हेयर है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्के फुलके अगर फेशियल हेयर है उसकी परेशानी को भी दूर करता है। बहुत बेहतरीन माना जाता है जौ का आटा हमारे स्किन के लिए। तो मैं जौ का आटा ले रही हूँ 1 स्पून। आप चाहे तो ये फुल बॉडी के लिए बना सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, आपको ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। अब देखिए बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि ऑल सीजन फेवरेट इंग्रेडिएंट होता है, चाहे भाई सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, हर मौसम में जो है बेसन बहुत बेहतरीन होता है। आपकी स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है और सबसे बड़ी बात है डीपली आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स के फेस पैक करना कभी ना कभी भूल जाते हैं, वो भी जो है वो बेसन कर देता है। तो आपकी स्किन के लिए गजब का इंग्रेडिएंट है बेसन, और मोस्टली सबको सूट भी करता है, हम सबके किचन में भी होता है तो टेंशन की बात ही नहीं है। तो बेसन आपको ले लेना है 1/2 स्पून, ठीक है। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, ये देखिए आप जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आपको सूट करता है तो अगर आप ऐड कर देते हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और वो है नींबू यानी कि लेमन। अब देखिए मेरी स्किन सेंसिटिव है, मेरी स्किन ड्राई है, बट फिर भी मुझे लेमन सूट कर जाता है। मेरी स्किन को बहुत ज्यादा इंस्टेंट जो है बूस्ट कर देता है। मेरी स्किन जो डल लगती है और लगती है कि बाबा थोड़ी तो रंगत कम लग रही है, तो उसमें जो है ये बहुत कमाल करता है। बट अगर आपको बहुत को लेमन सूट नहीं करता चेहरे, अगर आपको लेमन सूट नहीं करता, आप लेमन को स्किप कर दोगे, उसके जगह पे आप चाहे तो ऑरेंज पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो या ऑरेंज जूस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप लेमन का इस्तेमाल करते हो तो 1/2 स्पून के करीब में लेमन ऐड करोगे, अगर आप ऑरेंज पाउडर का इस्तेमाल करते हो तो 1/2 स्पून ऑरेंज पाउडर ऐड करोगे, अगर ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करते हो तो 1 स्पून ऑरेंज जूस ऐड करेंगे।
करोगे आप, क्योंकि सब में विटामिन सी होता है जो कि आपकी स्किन को वाइटन, ब्राइटन, लाइटन, टाइटन करने के लिए कमाल होता है। चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट, डलनेस, अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, इन सबको टारगेट करने की क्षमता रखता है। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो ऐड करना है दही। दही आपकी स्किन को वाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है और सबसे बड़ी बात है डार्क स्पॉट, डलनेस, अनइवन स्किन टोन, इन सबको टारगेट करता है और आपको आपकी स्किन को देता है हद से ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट स्किन। दही जो लेना है वो ताजा ना लेकर के 2-3 दिन पुराना अगर दही लेते हैं तो हमारी स्किन के लिए और भी अच्छा हो जाता है, फैमिली भी आपकी खुश, अरे पुराना दही ले रही है आप भी खुश कि उनको पता ही नहीं है कि ये दही हमारे स्किन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारी स्किन के लिए ज्यादा रामबाण है। ठीक है, अब दही उतना ले लेना है जितने में अच्छे से पैक बन जाए, बट ये पैक जो है दोस्तों ये आपको पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक बनाना है। जब ये पैक बनाते हो तो इसका पैक का सबसे अगर चाहते हो कि और भी ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट दे तो आपको क्या करना है, इसको बना करके छोड़ देना है। कितने देर के लिए? कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दे, कवर करके रख दे। आफ्टर 15 to 20 minutes आपको क्या करना है, अपने साफ सुथरे फेस और नेक के ऊपर आपको अच्छे से लगा लेना है, 15 से 20 मिनट रखना है। उसके बाद हल्के हाथों से, हल्का हाथ को गीला करना है, हल्के हाथों से मसाज करते हुए चेहरे को वॉश कर लेना है। जहां फेस को वॉश करके आते हो कमाल धमाल आपकी स्किन लगती है, बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट लगती है। जब भी फेस को वॉश करके आते हो दोस्तों तो रोज वाटर या फिर टोनर, फिर सीरम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, चाहे आप घर में हो या रात में हो। इसको लगाने का टाइम का क्या ही मैं बताऊं, जब भी आप फ्री हो लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जहां तक इसको लगाने की उम्र की बात है, लेमन अगर आप स्किप कर देते हो तो अगर आपकी उम्र हो गई है 11 साल की तो भी आप लगा सकते हो, बट अगर आप लेमन ऐड करते हो तो मैं कहूंगी अगर कम से कम 15 साल के हो जाओ तब आप लेमन जूस का इस्तेमाल करते हो तो ज्यादा सही है, उसके पहले नॉट ओके। ओके, मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।